आई होप आपसे भी अच्छी होंगे, स्वस्थ होकर मैं भी अच्छी हूँ। कल पूरा दिन मुझे ब्लॉग्स एडिट करने का टाइम नहीं लगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। को एक तो ये होता है कि ना बेटी सिंगल मॉम के लिए हो जाता है कि बेटी को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और भी मॉम उसकी नानी है जो थोड़ा ही वहाँ पैर में दर्द रहता नहीं उसको संभाल पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता। तो मैंने यहाँ बैठाया उसको, मुझे नींद आ रही थी तो मैंने उसको बोला बेटा तू सो जा मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है। तो मेरे कल का वो छुट्टे, फिर मैंने उसको यहाँ कुछ बुक्स देखी, इसमें बेला चलाया यहाँ पर दिया है, छोटी छोटी रेजर से गिफ्ट मिली थी मेरी बेटी को, काफ़ी प्यारा गिफ्ट मिला, कोई गिफ्ट देता है काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर आज के टाइम में सिंगल मोम होगी बेटी के लिए सारा खर्चा उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाए, फिर ये जॉब वगैरह ना हो, कोई नौकरी भी कुछ नहीं है। और अब भी मैं अपनी बेटी को ही बुला रही थी, फिर आज उसको मैं छोटी साइकिल दे दी थी, बाहर बरंडे में चला रही थी, मम्मी कुछ काम के लिए गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं कपड़ों को समेट ले दूँ, अच्छी तरह नींद लगा देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ अपने फेस के लिए लगा फेसियल हेयर थे जो उनको रिमूव करने लग गई थी रेजर से, फेसियल रेजर से, सोचा साथ के साथ दो काम निमट जाएंगे, फिर बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि बेटी को इतना ध्यान रखना, मेरे मालिक का हाल देखो क्या हुआ पड़ा, बस फटाफट ये कपड़े ठूस देते हैं ना, बस ऐसा काम हो गया। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, नहा ली थी मैंने, आगे कपड़े चेंज कर लिए थे, शाम के बज गए थे 6, और मैं अपनी मम्मी से बात करते कुछ मंगवा रही थी, मम्मी तो मैं मना करती थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल हो गया, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ रेमेडी यूज़ करनी पड़ेगी टाइम निकाल के। और नेक्स्ट डे सुबह लगवा लिया था काले में एलोवेरा जेल, काफ़ी अच्छे से उसको मैंने मिक्सी में रेडी कर लिया, उसके बाद लगा लिया। उसके बाद दोपहर को बना दी मटर पनीर की सब्ज़ी, या मसाले को मैं अच्छे से कर रही हूँ फ्राई, मैगी मसाला मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ी में, अच्छे से फ्राई करके मैगी मसाले के बिना सब्ज़ी नहीं बनाती, इसको अच्छे से जब तक ऑयल ना छोड़ती हूँ तब तक इसको पकाएँ, उसके बाद में पानी ऐड करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा दो बार हम उसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे। हो गई थी खाने की थाली तैयार।